दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के शाहपुर रोड स्थित एक घर में दो अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरे घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसे और उन्होंने घर में मौजूद बुजुर्ग महिला बलविंदर कौर के सर को कपड़े से ढककर उसके सर पर तेज धार हथियारों से वार किया, फिर उसे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गए जहां लुटेरों ने महिला को मरा समझकर फेंक दिया और अलमारी में पड़ी लाखों की नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। इस घटना का पता उस समय चला जब महिला का पति सतविंदर सिंह रात को घर पहुंचा। इस मामले संबंधी पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से सुरागों को इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दुकान बंद करके आया कर मेन करीब 8:25 थे घर जो पहुंचे गेट का बुआ नहीं खुलिया असी फिर दूसरे पास आए दूजे इस गेट वाले पास आए हैं इधर बुआ खुला सी आके अंदर वेख्या खून लत पसी थे सारे काफी सट्टा मारिया मेनु जब पता लगे मैं उस टाइम 2 मिनट च इथे पहुंच गया मौके ते काफी नुकसान होया इन्हां दा। कंट्रोल रूम तो इनफॉरमेशन आई सी गली कुचा हरनाम दास दे अंदर सतविंदर सिंह दे मकान दे विच कोई दो अणपछाते बंदे आके उन्होंने घर उन्होंने वाइफ सी करीब 58 साल एज की कली सी घर दरवाजा खड़का के अंदर जाके उन्होंने उत्ते कपड़ा पा के उन्होंने सट ला के उन्होंने घरों कुछ पैसे तो समान ले गए वो तो असं इतने आए हैं हम असी मौका वेख रहे हैं उस तो बाद जो वो बयान लिखा कार्रवाई करके अगे कलियू लैके उन्होंने जल्दी तो जल्दी